राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है। इस दौरान राहुल महाकाल के दर्शन करके उज्जैन भी जाएंगे, लेकिन उनकी ये यात्रा उज्जैन पहुंच पाती उससे पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने गर्भगृह में मोबाइल ले जाने, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर सियासत भी गर्माने लगी है। उज्जैन पहुंचने से पहले लगाई गई इस पाबंदी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इससे सरकार की मानसिकता पता चलती है। अब देखिए, एक बात समझ लो, हम लोग लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं और जिस तरह महाकाल लोक में राहुल गांधी के आने के पहले फोटो उतारने पर प्रतिबंध लगा, इससे मानसिकता पता चलती है। पर इससे हमें राहुल गांधी को, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और बिल्कुल यहाँ का एक संदेश जाएगा, पूरी देश और पूरी दुनिया देखेगी जब राहुल गांधी महाकाल से आशीर्वाद ले रहे होंगे, वो दृश्य पूरी दुनिया देखेगी। दो विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये लेट इनको खबर दी गई, इनके निर्धारित कार्यक्रम अपने क्षेत्र में, अभी रामलाल जी भी एकदम मंच से उतर गए, उनके क्षेत्र में भी कार्यक्रम है। तो वहीं उज्जैन कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि सिर्फ महाकाल मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल को प्रतिबंधित किया है। देखिए, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन का ले जाना हमेशा से प्रतिबंधित रहा है। ये बात अलग है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सख्ती जो है वो ऊपर नीचे रहती थी, लेकिन श्री महाकाल महालोक के उद्घाटन के बाद में, लोकार्पण के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। गर्भगृह में बहुत अधिक लोग सेल्फी वगैरह लेने की शिकायतें आ रही थी, जिससे गर्भगृह में भीड़ भी बहुत लग रही थी, पीछे वाले लोगों को दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उस पर सख्ती करके मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जो पहले से ही लगा हुआ था उसको हमने और सख्ती से लागू किया है। फोटोग्राफी पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल बता दें कि 1 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले मंदिर समिति के इस फैसले के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि ये सब राहुल गांधी की यात्रा को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।